जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में एनालॉजी का ये पार्ट टू है आपका। इससे पहले हम पार्ट वन आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें से एक नंबर से 11 नंबर तक क्वेश्चन है, रेलवे घटना चक्र बुक से बता रहा है, सारे क्वेश्चन कंटिन्यू बता रहे हैं। आपको अगर पसंद आए तो आप हमको कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं या फिर लाइक करके कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में से कौन वैसा है जो कि जूट, कॉटन और वूल से रिलेट रख रहा है, नायलॉन, टेलीन, रेनॉन या फिर सिल्क। तो देखो, जूट हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये सभी ना प्राकृतिक रेशा है। उसी तरह से यहाँ पर जो स्किन सिल्क दिया हुआ है ना, ये सिल्क आपका क्या है, सिल्क आपका प्राकृतिक रेशा है, फाइबर्स, ठीक है, यानी कि ये नेचुरल है सारा, सिल्क, जूट, कॉटन, वूल। लेकिन नायलॉन ये जो है ना कृत्रिम होता है, टेरिलिन ये भी आपका कृत्रिम हो जाएगा, रेयॉन ये भी आपका कृत्रिम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिल्क आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वैसा है जैसा कि स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, कोल, होगा नहीं, कोल मतलब कोयला, कहाँ स्टील, कहाँ ब्रॉन्ज, कहाँ ब्रास, वो सारा चीज क्या है, एक धातु, मिश्र धातु के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन कोल नहीं आएगा, कैल्साइट नहीं आएगा, मिथेन नहीं आएगा, जिंक, ठीक है, जिंक धातु की श्रेणी में आता है, तो जिंक यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन वैसा है जैसा कि लीवर, हार्ट और किडनी। अब ये सब क्या है, हमारा मान यानी कि शरीर का अंग है, आंतरिक अंग है, तो यूरिन ये नहीं होगा, यानी कि पेशाब होगा नहीं, लंग्स, बिल्कुल सही आंसर, लंग्स जो फेफड़ा है वो उसी के अंतर्गत आ रहा है, लीवर, हार्ट, किडनी के अंतर्गत आ रहा है, तो लंग्स हो जाएगा, ब्लड नॉन ये सब नहीं, नोज नहीं होगा और ब्लड भी नहीं होगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे अंदर में रहता है, शरीर के अंदर में, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। तो गणित का संबंध संख्याओं से है तो इतिहास का संबंध किससे होगा, घटना, लोग, युद्ध, तारीख, तो घटनाओं से होगा, ठीक है। गणित में हम लोग क्या करते हैं, गणित के विषय में संख्याओं का उल्लेख किया जाता है, उसी तरह से इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, घटनाओं का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जिस प्रकार रिदम संबंधित है म्यूजिक से, उसी प्रकार डिजाइन निम्नलिखित में से किसे संबंधित होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका बिल्डिंग से। देखो संगीत जो होता है ना, वो हमारा यानी कि म्यूजिक की बात करते हैं तो रिदम मतलब ताल होता है, लय होता है, ठीक है, तो संगीत और ताल का संबंध एक साथ हो जाएगा, उसी प्रकार से डिजाइन का जो संबंध है यानी कि डिजाइन का मतलब नक्शा का जो संबंध होगा वो बिल्डिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर बिल्डिंग होगा, 16 का आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कॉन्सर्ट से म्यूजिशियन यानी कि बात को समझो, कॉन्सर्ट का मतलब होता है संगीत कार्यक्रम में संगीतकारों का द्वारा संगीत का क्या करता है, पेश किया जाता है, उसी प्रकार से प्ले, प्ले का मतलब यहाँ पे हो जाएगा नाटक, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, तो नाटक का जो है ना अभिनेता द्वारा क्या करता है, नाटक की प्रस्तुति किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एक्टर, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर देखो, 18 नंबर कहता है कि जिस प्रकार नाइफ संबंधित है कट से, उसी प्रकार बंदूक यानी कि गन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो सूट से, नाइफ से क्या करते हैं, चाकू से कट करते हैं, काटा जाता है, तो बंदूक से, गन से क्या किया जाएगा, शूट किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि यदि आंध्र प्रदेश से ब्लैक बक, ब्लैक बक ना काला हिरण, आंध्र प्रदेश का राजकीय क्या है, राजकीय पशु है काला हिरण, ठीक है, तो उसी तरह बिहार का जो है ना क्या हो जाएगा, गौर हो जाएगा, यानी कि गौरी गाय, ठीक, बिहार का जो हो जाएगा राष्ट्रीय पशु गौर हो जाएगा। 19 का आंसर बी। अगला क्वेश्चन 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में एब्सेंट को BCTFOU के रूप में लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में CABLES को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक बात बताओ, एब्सेंट को क्या लिख रहा है, ABSENT, इस एब्सेंट को लिखा है, देखो ए से आगे बढ़ के एक लिखा है बी, बी से आगे लिखा है सी, एस के बाद टी, ई के बाद लिखा है एफ, एन के बाद लिखा है ओ और टी के बाद यू, यानी कि BCTFOU यही लिखा हुआ है आपका, दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी तरह से आपको लिखना है केवल CABLES, ठीक है, तो CABLES, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, सी से आगे क्या हो जाएगा डी, ए के बाद क्या हो जाएगा बी, बी के बाद सी, एल के बाद एम, ई के बाद एफ,
एस के बाद टी, ठीक है, तो डी बी सी एम एफ टी, ए नंबर देखो आंसर है कि नहीं, इस तरह से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है, एलिफेंट का संबंध किससे है, ग्रासलैंड से है, ठीक है, एलिफेंट कहाँ रहता है, ग्रासलैंड में रहता है, तो ऑटर, ऑटर का मतलब होता है उद्भव, यानी कि उद्विलाव, क्या होता है उद्विलाव होता है, तो ऑटर का निवास स्थान कहाँ होता है, जानते हो, जल होता है, वाटर होता है, इसका आंसर वाटर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेन का लेखक से वही संबंध है जो सुई का डैश से है। देखो पेन का लेखक से वही संबंध है, पेन से क्या लेखक लिखता है, तो उसी तरह से सुई का जो संबंध हो जाएगा ना, यहाँ दर्जी से हो जाएगा, सुई का संबंध किससे हो जाएगा, दर्जी से, तो इसका आंसर दर्जी देना है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखो, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कार का स्टेयरिंग से वही संबंध है जो बाइक का डैश से है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया है पेट्रोल, स्पोक्स, बिजली, हैंडल बार, तो आंसर होगा हैंडल बार, ठीक है, यानी कि बात को समझो, जिस प्रकार कार की दिशा नियंत्रित करने के लिए स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार बाइक की दिशा निर्धारित करने के लिए हैंडल बार का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका हैंडल बार, डी नंबर था इसका। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जैसे पैंट रंग से संबंधित है उसी तरह से डिश से संबंधित है, एक बात बताओ, पैंट के लिए रंग का प्रयोग कर किया जाता है ना, तो उसी तरह से जो डिश, डिश का मतलब क्या, थाली, ठीक है, तो थाली का जो संबंध होगा यहाँ पे साबुन से नहीं, पंखा से नहीं, चीनी मिट्टी, थाली बनाने में चीनी मिट्टी का काम होता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो चीनी मिट्टी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ताला जिस प्रकार दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार पासवर्ड संबंधित है। देखो आपको समझो, घर को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, दरवाजा को लॉक किया जाता है किससे, ताला से, ठीक है, तो ताला क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है सुरक्षित रखने, उसी तरह से पासवर्ड जो लगाते हैं कहाँ लगाते हैं, गेट में, सत्यापित में, वर्ल्ड कार्ड पत्र में, या कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा, सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर में पासवर्ड लगाया जाता है, तो 25 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि उच्च जैसे कम से संबंधित है उसी तरह पर्वत किससे संबंधित है, ठीक है, वर्ग से, भूमि से, घाटी से, या फिर मार्ग से, तो आंसर हो जाएगा आपका घाटी, ठीक है, जिस प्रकार उच्च जो है कम से संबंधित है उसी प्रकार पर्वत का जो संबंध होगा घाटी से हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका घाटी। अगला क्वेश्चन 27, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से वही है जो कॉलोनी का संबंध है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका आंसर चींटियां देना, ठीक है, मत्स्य झुंड का जो संबंध मछली से है ना, उसी प्रकार चींटियों का जो झुंड होता है कॉलोनी कहलाता है वो, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि चींटियों का, यानी कि मत्स्य झुंड, तो कॉलोनी किसको कहते हैं, चींटियों के झुंड को। अगला क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि जिस तरह से बॉस्ट फूल से एरोगांट, तो केयरफुल से क्या, बात को समझो, बॉस्ट फूल का मतलब क्या होता है, जानते हो, दम्भी, घमंडी होता है, ठीक है, और उसका समर्थन शब्द होता है एरोगांट, उस मतलब कि उसका जस्ट सिमिलर वर्ड हो गया एरोगांट, इसका मतलब भी घमंडी होता है, तो केयरफुल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कौशियस आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि उससे का मतलब भी सावधानी, सजग, सतर्क, यही होता है, तो आंसर आपको सी देना है। चलो 29 30 दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि दुखी से हसमुख है तो सहिष्णुता, सहिष्णु से क्या होगा, तो सहिष्णु से उसका मतलब दुखी, कोई आदमी दुख है उसका उल्टा दे दिया आपको हसमुख, तो सहिष्णु से हो जाएगा उल्टा, इसका क्या होगा, जानते हो, प्रतिवादी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 लास्ट, राम से कौशल्या तो कर्ण से क्या, देखो बात को समझो, जिस प्रकार राम जो है ना कौशल्या के क्या थे, पुत्र थे, उसी प्रकार कर्ण जो है ना कुंती के पुत्र थे, तो आंसर हो जाएगा कुंती, तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कुंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर आप लोग के लिए है, उसको बना के कमेंट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि यदि पक्षी तैरते हैं तो मछली चलती है, तैरती है, बोलती है, उड़ती है, तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको लाइव क्लास में सारा बता देंगे, ठीक है, इसका बहुत जल्द लाइव क्लास दिया जाएगा, इससे पहले अभी हम सीरीज का लाइव क्लास दे रहे हैं, जिसमें से आपको अगर सीरीज को देखना है, शुरू से पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सीरीज का, एक और से पढ़िए, सारे क्वेश्चन घटना चक्र बुक से बता रहे हैं, आपका एग्जामिनेशन हॉल में अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं छूटेगा, यकीन मानिए, बहुत ही अच्छे ढंग से बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 31 नंबर से आगे जो होगा आपका लाइव क्लास के थ्रू
बताएंगे, थोड़ा वीडियो लेट आएगा, लेकिन इसके बाद हम अगला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और उस अगला चैप्टर को देखने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है।